हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ब्रॉक लेसनर ने क्यों हराया केन वेलास्केस को सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर ब्रॉक ने क्यों टैप आउट कराया केन वेलास्केस को 2 मिनट में, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, काफी अच्छा था क्राउन जूल पेपर व्यू और हमें इस पेपर व्यू में काफी अच्छे सेगमेंट्स एंड मैचेस देखने मिले। तो इस पूरे पेपर व्यू के मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं। प्री शो में हम्बर्टो ने जीता था 20-man बैटल रॉयल और वो बने थे नंबर 1 कंटेंडर फॉर US चैंपियनशिप। और मेन शो चालू होने के बाद ब्रॉक लेसनर ने टैप आउट कराया केन वेलास्केस को सिर्फ 2 मिनट में। उसके बाद OC ने हरा दिया वाइकिंग रेडर्स को और जीता टैग टीम वर्ल्ड कप। नेक्स्ट मंसूर ने हरा दिया सिजारो को, जो कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। उसके बाद दोस्तों, टाइसन फ्यूरी ने हरा दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, एंड दैट टू वाया काउंट आउट। टाइसन फ्यूरी ने अपना फर्स्ट मैच होने के बावजूद काफ़ी ज़बरदस्त मैच दिया। टाइसन फ्यूरी की एंट्रेंस भी एकदम ज़बरदस्त थी और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड टाइसन फ्यूरी दोनों स्ट्रांग दिखे। उसके बाद AJ स्टाइल्स ने हरा दिया हम्बर्टो को और रिटेन किया अपना US चैंपियनशिप। नेक्स्ट नटालिया ने हरा दिया लेसी एवंस को और उन्हें टैप आउट कराया। नेक्स्ट मैच रोमन रेंस ने पिन किया रैंडी ऑर्टन को और जीत हासिल किया अपनी टीम के लिए। ऐसे फिर टीम होगन जीत गई। एंड दोस्तों, इन द मेन इवेंट फाइनली द फीड ने हरा दिया सेथ रॉलिंस को और एंड किया उनका ओवरपुश रेन और बन गई न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो ये काफी अच्छा पेपर व्यू हुआ दोस्तों। पर लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक कि आखिर ब्रॉक लेसनर ने केन वेलास्केस को 2 मिनट में क्यों हराया। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो केन एंड ब्रॉक के जो मूव्स एक्सचेंज हो रहे थे, पंचेस, किक्स एंड नीज, वो काफी रियल लग रहे थे। एक टाइप से लग रहा था कि वो दोनों MMA फाइट लड़ रहे हैं। और केन ने तो ब्रॉक को क्राउंड एंड पाउंड भी लिया था, बट देन ब्रॉक ने केन को किमुरा लॉक दिया और उन्हें टैप आउट कराया। तो दोस्तों, इन दोनों की मैच इतने जल्दी खत्म होने का मेन रीजन ये था कि इनकी रीमैच होने वाली है समटाइम इन द नियर फ्यूचर, दैट इज मे बी एट WrestleMania 36। और वैसे भी दोस्तों, केन वेलास्केस को नी में इंजरी थी, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे केन वेलास्केस से ब्रॉक लेसनर को बड़ी मैच देकर। और आपने नोटिस किया होगा, ब्रॉक लेसनर ने उन्हें एक भी सुप्लेक्स नहीं दिया। सर्वाइवर सीरीज 2016 आपको याद ही होगा, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर, वहां पर गोल्डबर्ग भी इंजर्ड थे, इसलिए WWE ने वो मैच बहुत जल्दी खत्म कर दी। और मैच के बाद आपने देखा होगा कि ब्रॉक ने उनको काफी सारे चेयर शॉट्स दिए एंड एक जबरदस्त F5 भी थी। बट लेटर ऑन रे मिस्टीरियो ने ब्रॉक पर अटैक किया चेयर से। अब दोस्तों, हम इससे कह सकते हैं कि केन वेलास्केस को इतना वीक नहीं दिखाया गया, क्योंकि उनके 2 मिनट के मैच में भी केन वेलास्केस 90% डोमिनेट थे। मतलब ब्रॉक और केन की फ्यूड आगे भी होगी। और बात करें रे मिस्टीरियो की, तो रे मिस्टीरियो ने यह कहा है कि वो अपने बेटे डोमिनिक के मार का बदला ब्रॉक से जरूर लेंगे उनके आखिरी सांस तक। तो दोस्तों, इट सीम्स लाइक हमें ब्रॉक लेसनर एंड रे मिस्टीरियो की फ्यूड आगे देखने मिलेगी फॉर WWE हैवीवेट चैंपियनशिप। पर उसके लिए रे मिस्टीरियो को 100% ठीक होना होगा, क्योंकि उनका हाथ करंटली थोड़ा सा इंजर्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बोले कि ब्रॉक और केन की मैच अच्छी नहीं थी क्योंकि वो मैच बड़ी नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मैच 1 घंटे की नहीं होनी चाहिए अच्छी होने के लिए। एक शॉकर एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए एक मैच में, जो दी हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस के मैच में। अब ब्रॉक वर्सेस गोल्डबर्ग एंड गोल्डबर्ग वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर जैसे मैचेस देखो, वो शॉर्ट मैचेस थे बट काफी जबरदस्त थे। और इन शॉर्ट मैचेस के पीछे आगे कुछ स्टोरी लाइन होती है जो हमें देखने मिलेगी बिटवीन केन एंड ब्रॉक एंड इवन ब्रॉक एंड रे मिस्टीरियो। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है इनके बीच। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, आपको कैसा लगा क्राउन जूल पेपर व्यू, एंड सेकंड, आप कितने शॉक हुए ये देखकर कि ब्रॉक ने केन को सिर्फ 2 मिनट में टैप आउट कराया। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।